एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं सीमा मेहता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, मैंने आपको ब्यूटी टिप्स सिखाती हूँ। मैं काफ़ी लंबे समय से आपको ब्यूटी टिप्स बता रही हूँ। उसमें मैंने आपको पार्लर का कोर्स भी सिखाया था, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए मैंने बंद कर दिया था। और काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे कि मैम हमें सेल्फ आईब्रो का धागा चलाना सिखाइए। तो मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं डाल पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ सेल्फ धागा किस तरह से चलाते हैं। आप अपनी अभी फ्रेंड, जब आप घर में बैठे हुए हो लॉकडाउन में, तो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि सेल्फ धागा किस तरह से चलाना है। आप अपना फोर हेड अपर लिप्स आसानी से घर बैठे हुए कर सकते हो। मुझे मालूम है, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि मैम हमको धागा चलाना तो आ गया, लेकिन बहुत डर लगता है। तो जब प्रैक्टिस करोगे तो डरने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबा दीजिए। उससे मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप धागा अच्छा लीजिए, ग्रीन धागा लीजिए, काफ़ी अच्छा होता है। इसे प्योर नायलॉन नहीं होता फ्रेंड, कॉटन मिक्स होता है धागा। आप कभी भी सुई धागे वाला धागा ना ले, वो नायलॉन का होता है, उससे स्किन कट लगने का काफ़ी चांसेस होते हैं। तो आप प्लीज़ वो धागा ना लें, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम हम धागे वाला धागा ले सकते हैं क्या, हम पार्लर नहीं चलाते। तो यार 25-30 रुपए का एक धागे का एक इट्टा आता है, आप आराम से खरीदोगे, आपके साल भर चलेगा। ठीक है, बहुत सस्ता आता है, कोई महंगा नहीं आता है और सब जगह मिल जाता है। आपके आसपास अगर कोई पार्लर वाली है तो बिल्कुल वो भी परचेज करती होगी, आप वहाँ से खरीद सकते हो, या किसी जनरल स्टोर पर भी बहुत आसानी से मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको कैसे बनाना है, क्योंकि आप मुंह मर लगा कर तो अपनी आईब्रो नहीं बना सकते हो। तो सेल्फ धागा किस तरह से करना है, सेल्फ धागा करने के लिए आप देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। आप हमेशा ध्यान से नहीं देखते हो, फिर बाद में मेरे को कमेंट करते हो कि मैम समझ में नहीं आया। तो समझ में जब आएगा, जब आप ध्यान से देखोगे, और ध्यान से देखने से ही मतलब नहीं, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फ्रेंड, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं आता, मुझे भी काफ़ी समय लगा था। ऐसा नहीं कि एक साथ ही मैंने ऐसा कुछ सीख लिया था, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था सेल्फ करने में, क्योंकि सेल्फ थोड़ा सा टफ होता है। जो हम नेचुरल आईब्रो बनाते हैं दूसरे की, उससे सेल्फ थोड़ा, उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, ये बना लिया हमने, गठान लगा लिया। अब आपको क्या करना है, देखो मैं आपको थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, मैं आपको अपर लिप्स बताती हूँ। छोटे छोटे से हैं देखिए मेरे हेयर, ठीक है। ये देखिए, आपने अलर्ट लगाया, जैसे हम मुंह वाले धागे का अलर्ट लगाते हैं, सेम वही हमको अलर्ट लगाना है। 5-7 अलर्ट, जितना आप अपने फिंगर्स को चला सकते हो उतना। मुझे पता है आपको धागा चलाना तो आता है, लेकिन आपसे सही से बैठ नहीं रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये धागे में मैंने इतने सारे अलर्ट लगा लिए, आपको राइट हाथ वाले ये देखिए, और आपको लेफ्ट हाथ से इसको चलाना है। थोड़ा सा दर्द होता है फ्रेंड, दर्द तो होगा जब आप न्यू है, तो डायरेक्ट आप अपर लिप्स पर ना करें, आप अपने घुटने पर करके देखें। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद अपर लिप्स पर करें। अगर आप डायरेक्ट अपर लिप्स पर करोगे फ्रेंड, तो स्किन आने का डर रहता है। तो आप प्लीज़ डायरेक्ट अपर लिप्स पर ना करें, आप अपने घुटने पर प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप अपने फोरहेड पर करें, उसके बाद आप अपर लिप्स पर आएँ, क्योंकि फोरहेड की स्किन भी क्या टाइट होती है फ्रेंड, तो इतना स्क्रैचिंग नहीं होती है, लेकिन अपर लिप्स का स्किन जो काफ़ी सॉफ्ट होता है, वहाँ पर स्किन डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप पहले अपने घुटने में प्रैक्टिस कीजिए, घुटने के बाद आप फोरहेड पे आ जाइए, और फोरहेड के बाद आप बिल्कुल अपर लिप्स पर आ सकते हैं। और जिन बहनों को धागा चलाना आ गया है, वो बिल्कुल डायरेक्ट अपर लिप्स पर कर सकती हैं। सबसे पहले आप अच्छे से पाउडर लगा लीजिए, बिना पाउडर के बिल्कुल बाल नहीं निकालेंगे। मैं पाउडर लगा चुकी हूँ फ्रेंड, बिना पाउडर के आपको बाल बिल्कुल नहीं निकालने हैं। आप अपनी स्किन को थोड़ा सा टाइट कर लीजिए,
क्योंकि टाइट नहीं करेंगे तो स्किन आने के आने का खतरा रहता है, तो आप थोड़ा सा अपनी स्किन को टंग लगा कर टाइट कर लीजिए। और आप देखिए, अगर आपको जल्दी से नहीं आएगा, देखिए ये इस तरह से, फ्रेंड मैं जल्दी जल्दी चलाती हूँ क्योंकि धीरे चलाती हूँ तो बहुत दर्द होता है मुझे, और मेरे काफी लंबे समय से प्रैक्टिस है तो बाल बहुत जल्दी से निकल जाता है। 5 मिनट में अपर लिप्स हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे वन साइड के बाल पूरे क्लियर हो गए हैं, इधर एक दो बार ये रह गए हैं फ्रेंड, क्योंकि मैंने अभी 15-20 दिन पहले ही अपर लिप्स किए थे फ्रेंड, जब कंप्लीट नहीं आ रहे थे तो कुछ बाल रह गए थे, तो आज मैं उन्हीं के ऊपर आपको बता दे रही हूँ। रेड हो गया है फ्रेंड, इसका मतलब बाल निकल गए हैं। मैंने आपको आटे से भी बताए थे बाल निकालना, और आप वैक्स से भी आप किस तरह से निकाल सकते हो वो भी मैंने आपको बताया था। तो आप इस तरह से, अगर आपको धागे से निकालने हैं तो इस तरह से लगा अपने बाल निकाल सकते हो। थोड़ा सा रेड होगी स्किन, तो आप क्या करोगे, धोने के बाद आप अच्छा कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइजर लगा लेंगे, आपको जो अच्छा लगे मॉइस्चराइजर, जो आप यूज़ करते हो घर में वो मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। मैं अभी ये काया का मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। आप चाहें, अगर आपकी स्किन पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप एस्ट्रीजेंट लगा सकते हैं फ्रेंड, उससे आपके हल्की सी जलन होगी लेकिन उसके बाद आपको काफ़ी ठंडा फील होगा और आपके दाने भी नहीं निकलेंगे। ये मैंने अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लिया है फ्रेंड। मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि स्किन से बाल निकलते हैं फ्रेंड, तो हमारे जो अंदर जड़ से बाल निकलते हैं धागे से, तो हमारी स्किन के रोम क्षेत्र खुल जाते हैं, हम मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं तो वो हमें रिलैक्स देता है एकदम। देखिए आप एस्ट्रीजेंट लगाएंगे तो बिल्कुल आपको हल्की सी जलन होगी, उसके बाद आप ठंडा महसूस करने लग जाएंगे। तो आया आपको धागा चलाना, आप मुझे बार बार कमेंट्स में यही लिखते हो कि मैम ठीक से नहीं आया, मैम ठीक से नहीं आया, जबकि मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है और मैं सोच रही हूँ आपको बहुत कुछ सिखा दूँ, तो मैं देखती हूँ कि कमेंट्स किस चीज़ के ज़्यादा आए हैं तो मैं उसी चीज़ के कमेंट्स डाल देती हूँ। अभी मैं आपको आज हेयर सीरम के बारे में बताने वाली थी, लेकिन अब हेयर सीरम के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ओके बाय, गुड नाइट।